जन्म ये तेरा ओ मेरे पगला बातन बीत गयो। यहाँ की बातें वहां की बातें ये वो दुनियादारी, और अंत में एक दिन राम नाम का है सत्य। बोले का? बोले तप गए तेरे ही करवाओ। हाँ तो बातन बीत गयो तूने कबहु न राम कहो। हाँ तूने कबहु न राम, इसलिए मेरे पगला हरो ओ मेरे पागलो। क्या कहो बोलो साधु जी सितार। क्या कहो? तो कल भगवान की विवाह का आनंद हम सब ने लिया। भगवान विवाह में कैसे सो रहे हैं, सोह रहे हैं, जरा सुनो गोस्वामी जी का रचना। राम सिय सुंदर प्रीति छाही, चौबीस की तीसरी चौपाई। राम सिय सुंदर प्रीति छाही, राम सिय सुंदर प्रीति छाही। पार्वती जी भी जाने लगी, शंकर जी बोले हम भी चलेंगे, पार्वती जी बोली तुम ना जाओ। क्या है? तुम मत जाओ, आप यहीं ठीक हो। शंकर जी बोले वाह, हर जगह टोक देती हूँ, हमको जाना है। अरे महाराज तुम वहां जाओ और कहीं तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल जावे, सब भस्म हो जाए, आग ही और बरसने लगे। तो शंकर जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले देवी जी ये तीसरा नेत्र खुलता भी है तो आग भी बरसाता है और जल भी बरसाता है। काम को देखकर आग बरसाता है, राम को देखकर जल बरसाता है। तो हम भी जाएंगे, क्यों 15 नयनों से दर्शन करेंगे। तो पार्वती जी बोली फिर तो आप जाओ ही मत, अगर तुम काम को देखकर आग ही बरसाओगे तो जाओ ही मत। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं, क्यों इसलिए मत जाओ, क्योंकि वहां काम भी आया है। जो घोड़ा है वो काम ही बनकर के घोड़ा आया है, और ऊपर राम जी बैठे, कहीं तुमने काम देखो तीसरा नेत्र के ऊपर पहुंचो बेचारो भस्म होगा, राम जी क्या कहेंगे, भंग डाल दिया। तो यहां भी शंकर जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, देवी जी तुम हैरान मत हो, अब इस काम को नहीं हम भस्म करेंगे। बोले क्यों? बोले पहले काम को इसलिए भस्म किया क्योंकि वो स्वतंत्र था, ये परतंत्र काम है, इस काम के ऊपर राम बैठे हैं, इसकी लगाम राम के हाथ है, इसलिए इसको भस्म नहीं करेंगे। आहा, इसको भस्म नहीं करेंगे। अच्छा बात भी सही है, शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया था तो कौन से कामदेव को, जो आम पे बैठा था। कौन से काम, कामदेव को भस्म किया, जो काम आम पर बैठा था उसको भस्म किया, और इसको इसलिए नहीं भस्म करेंगे क्योंकि इनके ऊपर ही राम बैठे हैं। तो जो आम पर है उस काम को जलाया है, जो राम के हैं उनको कौन जलाता है, यही शंकर जी का सूत्र है। जलता कौन,
जो काम के हैं, जो राम के हैं वो नहीं जलते हैं। अब चलो राम के कौन कौन भाई, मीरा, सबरी, नानक, बुद्ध, हमारे पूज्यपाद सन्यासी बाबा, कितने लोग नहीं भाई, कितने साल पहले शरीर नहीं छूट गया पर आज भी जिंदा है, हम लोग रोज चर्चा करते हैं। तो जलते कौन? अच्छा कितने लोग नहीं जल गए, कोई नाम जानता है? कोई नहीं जानता, पर मीरा, नानक, तुलसीदास जी, इन सबको सब जानते हैं, क्योंकि जो काम में जल गए उन्हें कोई नहीं पूछता, जो राम के होकर गए उनको आज भी सासरी सहित इसी रूप में यहां सब बैठे हैं। तो शंकर जी बोले हम भी जाएंगे, पार्वती जी बोली लेकिन देखो देखो गंभीरता रखना, हाँ कोई बात नहीं। अब शंकर जी आए बरात में, ब्रह्मा जी कहो, ब्रह्मा जी कैसे घूम रहे, आनंद ले रहे, ब्याह है भगवान को, शादी है, आनंद ले रहे। ब्रह्मा जी बोले हम तो हैरान है। शंकर जी बोले तुम क्या हैरान हो? बोले हमें यहाँ अपनी बनाई हुई वस्तु कछु दिखाई नहीं रही क्या? घोड़ा लग रहा था कि हमारा होगा, सो कामदेव बना है, साफ अलग जगह की रचना। भगवान शंकर जी बड़े विनोद में हंस के बोले 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 देखो जिनका विवाह हो रहा वो कौन है? बोले वो तो जगतपति है, राम है। तो बोले वो अपने बाप हैं, अब बाप के विवाह में बेटा की करतूत क्या दिखेगी? अब भाई जैसे ऐसे मानो विज्ञान के जमाने में सीडी का जमाना है, अब कोई शादी की टीवी कैसेट बनवा ले, कैसेट टीवी सीडी बनवा ले, और बाद में जब 4-5 साल बाद जब बाल बच्चे हो जाएं, जब लगावे टीवी वो देखें और बच्चा उसी वक्त देखे तो बच्चा पूछे ये कौन है, तो माताजी कहेंगे ये हम हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं, और बच्चा रोने लगे आप दोनों तो हम कहाँ हैं। अब बच्चा लगे रोने तो हम कहाँ हैं, हम क्यों नहीं आए इसमें, तो बताओ उसमें बेटा कहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेगा उसमें। उसी प्रकार शंकर जी हंस के बोले बोले जब पिताजी की बरात है, जगत पति पिता की बरात है, जगत पिता की बरात, तो तुम्हारी बनाई हुई वस्तुएं कहाँ दिखेगी, क्योंकि ये तो बाप हैं सबके। हैरान मत हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तब ब्रह्मा जी का भी दिमाग ठिकाने लग गया, बढ़िया जो है भगवान की भावरी पढ़ने लगी, ब्रह्मा जी भावर पढ़ने लगे, आ हा हा